बड़ी खबर आ रही है कौशाम्बी से, सीधा उस तरह रुख करेंगे। वहीं एसडीएम को धमकी भरा पत्र मिला है, आपको बता दें कौशाम्बी में एसडीएम को ही धमकी भरा पत्र मिला है। तो ये बड़ी खबर कौशाम्बी से आ रही है जहां पर एसडीएम को धमकी भरा पत्र मिला है। भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के जिला अध्यक्ष हैं नरेंद्र पांडे, तो एसडीएम को धमकी भरा पत्र मिला है, ये आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां एसडीएम को ही धमकी भरे पत्र मिलने लगे हैं। आपको बता दें भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन के हैं, एसडीएम को धमकी भरा पत्र मिलने से पूरे महकमे में हड़कंप मच चुका है। तो हमारे सहयोगी ताहिर अली रिजवी हमारे साथ जुड़े हैं। तो ताहिर, ये धमकी भरा पत्र किसने दिया है, क्या कोई जानकारी मिली है और इस पत्र में लिखा क्या कुछ है? जी, इसमें जो है एक किसान नेता है चाइल्ड साइड के, नरेंद्र पांडे जी, उन्होंने लिखा हुआ है इसमें कि अगर आप मेरी विवादित भूमि पे 10 तारीख तक कब्जा नहीं दिलवाती तो आप अपने अंतिम दिनों का इंतजार कीजिए। इस पत्र को मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया है। चाइल्ड एसडीएम ज्योति मोहरा जी ने इसकी शिकायत चाइल्ड थाने में की, जहां उनकी एफआईआर लिख दी गई है। जी, जिसने ये पत्र दिया है क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? वो अभी पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहे हैं या पुलिस की पकड़ में है? अभी तो पुलिस की पकड़ के बाहर है, क्योंकि आज ही ये पत्र मिला, आज ही दिया गया है ये। पुलिस ने जब पत्र लेने के बाद जांच पड़ताल इसकी शुरू कर दी है। तो एसडीएम जिनको ये धमकी भरा पत्र मिला उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? इस मामले पर अभी वो कुछ बोल नहीं रही है, कह रही है कि जब जैसे ही इसका जो है जांच हो जाए, पहले जिस चीज की लिखा गया है जांच हो जाए, उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है। जी ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए।